उत्तराखंड के श्रीनगर से सैलाब की दहला देने वाली तस्वीर, कई मंदिरों की चोटियों के ऊपर से बह रही अलकनंदा नदी। श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में 24 घंटे में लगातार जारी मूसलाधार बारिश। जीवीके डैम से छोड़े गए पानी की वजह से नदियां उफान पर, लोगों को अलर्ट पर रखा गया। चमोली में भारी बारिश के बाद कालीगंगा, अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर नदी उफान पर। चमोली में भारी बारिश के बाद उफनते दरिया का दिखा रौद रूप, नदियों में लगातार बढ़ रहा जलस्तर। चमोली में भूस्खलन का भी दिखा कहर, पत्थरों की चपेट में आकर कई वाहन क्षतिग्रस्त। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद गंगा में उफान, चर्चित शिव की प्रतिमा के चबूतरे को स्पर्श करने लगा गंगा का पानी। ऋषिकेश में मंदिरों में जल भरा, डूबे स्नान घाट। टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन का संकट, NH-58 का रास्ता बंद। भारी बारिश के बीच रुद्रप्रयाग में भूस्खलन का संकट, बद्रीनाथ हाईवे के नरकोटा के पास बोल्डर गिरने से आवाजाही ठप। रुद्रप्रयाग में नमामि गंगे योजना के तहत बने सभी घाट जलमग्न, जिला प्रशासन ने नदियों के किनारे बसे लोगों को सतर्क किया। उत्तरकाशी में फिसलकर खाई में गिरी गाय, SDRF ने रेस्क्यू किया। नेपाल में बारिश बनी जानलेवा, 16 की मौत, 22 लापता। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से रक्सौल में सैलाब का आफत, निचले इलाकों में भरा पानी। रक्सौल में सैलाब के बीच कटान का भी संकट, रोजमर्रा के कामों के लिए रस्सी के सहारे सैलाब पार करने को मजबूर लोग। गोपालगंज में भी सैलाब का संकट, कई जगहों पर विस्थापन को मजबूर हुए लोग, नाव पर गृहस्थी लाद कर पलायन को मजबूर। छपरा में रातों रात बड़ा गंडक नदी का जलस्तर, बाढ़ की आफत में फंसा एक दूल्हा गाड़ी पर चढ़कर आया था, नाव पर ले गया दुल्हन। छपरा में नदी में डूबी नाव, नाव में सवार 15 मजदूरों ने तैरकर बचाई जान। दुर्गापुर में पुल की ऊपरी सतह को छूते दिखा दरिया, भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। गुजरात की द्वारका में भारी बारिश, रिहायशी इलाकों में भरा पानी। जम्मू कश्मीर में चुनावी कयासबाजी को मिली हवा, 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों के साथ प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। जम्मू कश्मीर के एसपी मनोज सिन्हा के साथ बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने तैयार किया कश्मीर के लिए विकास का रोड मैप। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्वांचल में पावर कॉरपोरेशन के ND सरोज कुमार को निलंबित किया, कार्य में लापरवाही का आरोप। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा में जहां वाम था वहां अब राम है, TMC की जगह बीजेपी है। मनोज तिवारी ने वैक्सीन संकट से जुड़े सवाल पर भी प्रधानमंत्री की तारीफ की, बोले PM ने 17 महीने में तैयार करवाई कोरोना वैक्सीन। अमित शाह के घर आकर बंगाल के राज्यपाल ने की मुलाकात, 3 दिन के अंदर दूसरी मुलाकात। कोलकाता हाईकोर्ट में 24 जून को होगी ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई, CM ने नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की जीत को दी चुनौती। ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, जज कौशिक चंदा को सुनवाई नहीं करने की अपील, बताया बीजेपी का पूर्व कार्यकर्ता। बीरभूम में गंगा जल सड़क कर शुद्धिकरण के बाद TMC में लौटे बीजेपी कार्यकर्ता, अंशन और धरने पर बैठे थे पार्टी के वर्कर्स। कोलकाता में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ लगे पोस्टर, गो बैक के नारे लगे। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे पड़ रही है सुस्त, पिछले 24 घंटे में 60,753 नए मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,647 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 3,85,137 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी 7,60,019 कोरोना के एक्टिव मामले, तीसरी वेव की जताई जा रही आशंका। टीके लगाने के काम में भी आई तेजी, अब तक 27,23,88,000 से ज्यादा को लगा टीका। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बेपरवाह रहे लोग, दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में सामने आई लापरवाही की तस्वीरें। कोरोना संकट के मद्देनजर हरिद्वार में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी पर स्नान को लेकर रहेगी सख्ती, आज से बॉर्डर सील कर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को रोका गया। ओडिशा के नायगढ़ में 100 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को दी मात, स्वस्थ होकर घर लौटी। जोना में वीकेंड लॉकडाउन जारी, सख्ती से हो रहा पालन। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर आरोप, किसानों के आंदोलन को बदनाम करना चाहती सरकार। लाइन से मिल्खा सिंह का निधन, शाम 5 बजे चंडीगढ़ में होगा अंतिम संस्कार, खेल मंत्री किरण रिजिजू PM का संदेश लेकर जाएंगे। मिल्खा सिंह का पार्थिव शरीर चंडीगढ़ में उनके घर पर लोगों के दर्शन के लिए दोपहर 3 बजे रखा जाएगा। 91 साल के थे मिल्खा सिंह, कुछ दिन पहले पत्नी का भी कोरोना से हो गया था निधन। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दी श्रद्धांजलि, पंजाब में 1 दिन के राजकीय शोक का ऐलान। 1958 में मिल्खा सिंह
कार्डिव कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर लौटे थे और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने थे। मिल्खा सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स में 400 मीटर रेस में साउथ अफ्रीका के मैल्कम स्पिंस को पछाड़ा था, सिर्फ 46.6 सेकंड में दौड़ पूरी की थी। मिल्खा सिंह ने बाद लाहौर में पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक को 200 मीटर दौड़ में हराया था। मिल्खा सिंह की जीत पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने फ्लाइंग सिख की उपाधि से नवाजा था। 1960 के रोम ओलंपिक में विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के बावजूद मिल्खा सिंह भारत के लिए पदक नहीं जीत पाए और उन्हें चौथे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। जेपी नड्डा ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया, ट्वीट करके लिखा उन्होंने विश्व एथलेटिक्स पर छोड़ी अपनी अमिट छाप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया ट्वीट, मिल्खा सिंह के अंतिम सांसों तक खेल जगत को दिया अपना योगदान। क्रिकेटर अनिल कुंबले और हरभजन सिंह ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया, कहा जीवित रहेगी उनकी विरासत। भाग मिल्खा भाग फिल्म में मिल्खा सिंह का रोल निभाने वाले अभिनेता फरहान अख्तर ने भी किया नमन, कहा मिल्खा सिंह में थी सपनों का पीछा करने की जिद। शाहरुख खान ने किया ट्वीट, मेरे लिए प्रेरणा स्रोत मिल्खा सिंह, हमेशा महसूस होती रहेगी उनकी उपस्थिति। असम के डिब्रूगढ़ में डॉक्टर पर हमले का विरोध, डॉक्टरों ने हड़ताल की। लखनऊ में स्वास्थ्य कर्मियों के हमले के विरोध में डॉक्टर हड़ताल पर। इंदौर में लोगों की दिखी लापरवाही, बाजार में जुटी भीड़। मध्य प्रदेश के सीहोर में सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर, भाई बहन ने बैल की जगह खुद खींचा हल, खस्ताहाल आर्थिक स्थिति का दिया जा रहा है हवाला। करनाल में एक शख्स ने मजदूर को खेत में उल्टा लटकाकर पीटा, बाद में पेड़ से लटकता छोड़ गया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। गाजियाबाद के लोनी में बुजुर्ग की पिटाई के केस में अभी तक 9 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी उमेर पहलवान फरार। मेरठ में हॉरर किलिंग, प्रेमी के साथ घर छोड़ने पर भाई ने बहन की गोली मारकर हत्या की। तरन तारण में जमीनी विवाद में दो व्यक्तियों के बीच चली गोली, एक शख्स की मौत एक घायल के स्तर। तेलंगाना के दिलाबाद में एक शख्स को दो महिलाओं से हुआ प्यार, एक ही मंडप में दोनों के साथ रचाया बयान। हेल्थ चेकअप के लिए अमेरिका गए सुपरस्टार रजनीकांत, कुछ हफ्ते अमेरिका में ही रहेंगे। यूपी के बाराबंकी में मोइनुद्दीन नाम के शख्स ने फूलों की खेती से बदली इलाके की तकदीर, 90 लाख रुपए है सालाना टर्नओवर। मोइनुद्दीन के फूलों की खेती से प्रभावित होकर और भी किसानों ने पारंपरिक खेती का किया किनारा, मुनाफे ने बदली किस्मत। मुंगेर में होटल में देह व्यापार के धंधे का खुलासा, प्रबंधक समेत 9 लोगों पर केस दर्ज। गाजियाबाद में कैब ड्राइवर से मारपीट और कार में तोड़फोड़ करने का आरोप, 4 आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ में एक परिजन को मिली 10 साल पहले लापता हुए दिव्यांग बेटा, मध्य प्रदेश पुलिस ने एक सिपाही ने 8 महीने घर पर रखकर परिजनों की तलाश की।